घास फूस की झोपड़ी को अपना आशियाना बनाए लोग, फटे पुराने कपड़ों की आड़ में गुजरता जीवन। ये कहानी किसी गांव की नहीं बल्कि दमोह नगर पालिका क्षेत्र की है। जी हां, दमोह नगर के धर्मपुरा वार्ड क्रमांक 39 में रहने वाली अशोक रानी ईंट पत्थरों को जमा कर ऊपर से घास फूस के साथ टूटे फूटे खप्पड़ से बने घर में वो कागजात ढूंढ रही है जो इन्हें यहाँ का निवासी बता सके। लाख कोशिशों के बाद आखिरकार एक थैले में मकान का पट्टा मिल गया, जिसे दिखाते हुए कहती हैं कि सालों गुजर गए, आवास योजना के कुटीर की राशि अभी तक नहीं आई। इस वक्त हम दमोह के धर्मपुरा वार्ड क्रमांक 39 में मौजूद हैं। दमोह नगर पालिका के 39 वार्ड हैं, जिसमें ये दमोह नगर पालिका का आखिरी वार्ड और वार्ड क्रमांक 39 में रहने वाली अशोक रानी बीते कई सालों से नगर पालिका में आवेदन कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं कि उनको कुटीर का पैसा मिले और वो अपना आसियाना बना सकें। लेकिन अशोक रानी का फिलहाल तो जो आसियाना है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से इन ईंटों को जमा कर और पेड़ की एक सपोर्ट से यहाँ पर खप्परों के सहारे और झाड़ियों के सहारे उन्होंने अपना आसियाना बना रखा है, जिसमें उनका जीवन गुजर बसर हो रहा है। लेकिन आइए हम खुद अशोक रानी से जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री जी की इतनी बड़ी योजना से ये अब तक क्यों वंचित रहीं। आइए हम मिलाते हैं आपको। जी माता राम, बताएं। मैं देख सकता हूं कि आप घास फूस की झोपड़ी बनाकर ईंटों को जमा कर रह रहे हैं, तो ये कैसे आप गुजर बसर करते होंगे बारिश में? क्या करें, बारिश इतने ही बैठे रहता, जहाँ जैसो है सो दो जने विकलांग है, आदमी को गोड़ टूट गया और हम भी विकलांग हैं, वो लड़का सो लड़का वाले हैं नहीं है, अपने नाम आए फिर रहे हैं, मजूरी कर रहे खा रहे। तो आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको जो कुटीर का वो मिलता है, दसों देर फार्म भरे सब कछ के, गैस के लेटरिंग के पैसा भी भरे तो नहीं आया, और गैस के भी भरो फार्म दसों देर है तो नहीं गैस नहीं निकलो, न कुटी के भरे न सुनने, हमारे चक्का जाम लगा के बैठे थे कम 200 आदमी, मंत्री खुद बैठे थे हमारों के बीच में, फोटो उतरी है तो नहीं आई हमारों की कुटी, सुनता ही नहीं है। कितने बार आप लोग फार्म भर चुके हो इसके कुटीर का? 15 भी रहे, हम कह रहे उनसे खुद कई है, जो नाली निकली आंगन में हो बे खुदा थी मंत्री, और चिल्ला चिल्ला के खीब सुबह कत्ते के मालक हम लड़बे नहीं आए, हमने कही कि हमारे मर रहे हैं, बड़े आदमों के तो राशन हमारों को राशन तक नहीं है। क्या राशन भी नहीं है? राशन नहीं मिल रहा हमारा। तो आप अपने वार्ड पार्षद से नहीं कहा अभी तक? बेकत का हम क्या करें, हमारो राशन नहीं मिल रहा, हम आज 3 लड़का हैं, 3 ही लड़कों के नहीं मिल रहा, हमारा गरीबी यानी हमारा मजूरी नहीं मिल रही करवे। मतलब आपका राशन भी नहीं बना और कुटीर भी नहीं बनी, कछु नहीं ना उसमें नाम आया अब तक। हाँ, और तो, ना सो वोट डार बे सुख जाने कहाँ के नाम आ जाते, और 3 ही लड़कों के ना तो हमारों के दो, अब 3 वोटों में 3 ही लड़कों के और राशन में 1 लड़का को नाम है। तो आपने आवास योजना में जो कुटीर के लिए आवेदन किया, पार्षद से कहते हैं तो क्या कहते हैं पार्षद आपकी? भर दे हैं तुम तो आ गए 20 देर भर गए कावे, जब उते कैंप लगो तुम आए। हाँ हाँ, जब कहते के तुम तो भर दे और यहाँ से कह दे तो कछु नहीं कह। सुना आपने, अशोक रानी जी का कहना है कि जब चुनाव आते हैं, चाहे वो वार्ड के हों या फिर विधानसभा के, कहाँ कहाँ से नाम लोगों के जोड़कर उनकी वोटें उनके घर तक तो दे दी जाती, लेकिन अफसोस कि अभी तक इस मकान की ना तो कुटीर आई है, कुटीर तो अलग की दूर की बात है, बल्कि राशन में भी नाम दर्ज नहीं है। हाँ, मतदाता सूची में ज़रूर इनके बच्चों तक का नाम मिल जाएगा, लेकिन राशन अभी तक इनको मयस्सर नहीं होता, जबकि वार्ड पार्षद कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। ये हाल अकेले अशोक रानी का ही नहीं, बल्कि जब पंजाब केसरी की टीम और आगे बढ़ी तो एक के बाद एक लोग अपनी समस्याएं सामने लाते गए। आप भी जानिए किस तरह धोखे का शिकार हुए ये लोग। कहानी दमोह के नगर पालिका वार्ड के क्रमांक 39 धर्मपुरा वार्ड की।
यहाँ पर एक नहीं दो नहीं ऐसे कई मामले हैं जो आज भी कुटीर से वंचित हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की योजना से वंचित हैं। अब आप इस मकान को देखिए, हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये कोई सड़क नहीं ना कोई चबूतरा है, बल्कि मकान की छत से ऊपर हम हैं। हमें ये गर्व हो रहा है कि हम मकान की छत से ऊपर खड़े हुए हैं। और आप देखिए ये दीवारें, देखिए 2 फुट की दीवार और ये खप्पर का पूरा मकान। और रही खही कसर, अगर बारिश में परेशानी होती है तो ये चद्दर एक बदनुमा दाग की तरह प्रधानमंत्री की योजना को मुँह चढ़ाती नजर आती है। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी बहन जी बताइए, ये मकान आपका है? हाँ। आपकी कुटीर कब से नहीं आई? हम तो जब से मतलब कुटीर भाई है जब ऐसे फार्म भर रहे हमारी नहीं आई, 4-5 साल हो गए। हाँ, जब क्या से... कहते हैं पार्षद क्या जी कहते जी हैं? क्या बोल रहे, आजे है, आजे है हमारी कुटीर, अभी तक नहीं आई। नहीं तो ये बारिश में किस तरीके से अपने आप को बचाते हैं? घर में भी इतने से झरा थे तो नीचे नीचे नाली खोदे हैं, से नीचे नीचे पानी भी झरत जात है, इतन इतन भर जात। अच्छा, घर में अगर पानी आता है तो यहाँ से आपने नाली बना रखी है जो उस तरफ निकल जाता है? क्या करें, और हमारा पैसा भी नहीं है, कहाँ से आप काम क्या करती हैं जी? करा सब्जी वब्जी थोड़ी बहुत लगा ली, तो अपनी मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं, सब्जी बेचते हैं? हाँ, मजदूरी करा थे, जो कछु लग गई वो भी करे आपने। तो यहाँ के पार्षद से मिले तो क्या कहते हैं? विजय बोल रहे हैं कि आजे है, आजे है। जब इस सिलसिले में हमने वार्ड पार्षद यशपाल सिंह ठाकुर से बात की तो उनका कहना था कि इन लोगों के पट्टे नहीं हैं, इसीलिए इन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता, जबकि लोगों के बकायदा पट्टे भी बने हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की फोटो वाले प्रमाण पत्र भी दिखा रहे हैं। प्रमाण पत्र मिल गया, मकान कब मिलेगा? सरकारी आवास की पोल खोलने वाली तस्वीर, सालों से कुटीर के लिए तरस रहे ये लोग, घास फूस और टीन टप्पर के सहारे बीता जीवन, ये खबर सरकारी सिस्टम से आपका भरोसा उठा देगी। दमोह के वार्ड क्रमांक 39 के वार्ड पार्षद यशपाल ठाकुर, जो इस वार्ड के पार्षद हैं, जो बीते कई सालों से यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं और सेवा भी आपने देखी, लेकिन हम उनसे ही जानेंगे कि आखिर ये लोग क्यों परेशान हैं। सर, मैं देख सकता हूं कि यहां पर जो लोगों को अभी तक कुटीर का लाभ नहीं मिला, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया, क्या वजह है कि आपके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया? आश्वासन नहीं, इन लोगों के सारे फार्म जमा है, शासन ने एक गाइडलाइन लाए, क्योंकि हमें बनाना है 25 फुट में मकान। भाई जहाँ खड़े हुए ये भी गरीब लोग पूरे आदिवासी हैं, इनकी सारी कुटीरें निकलती आ रही, क्योंकि जहाँ स्मार्ट आपने लिया है जो भी लोग बता रहे हैं उनके पास सरकारी जमीन में कब्जा किए हैं वो। तो फिर सरकार, मेरा सुनिए तो आप, पहले सरकार से आप पट्टे की मांग कर लें कि आप पट्टे मिल जाएं, और यदि शासन की कोई ऐसी नीति है कि जो सरकारी ज़मीन में कब्जा किए हुए हैं और उसको कुटीर आवंटन होनी है, तो बाकायदा मैं तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को, हमारे पास ऐसे गरीब हैं, तलैया पे 50 मकान बने हुए, जो चाय की दुकान खोले हुए हैं, रेगबार समाज के लोग हैं, वो बेचारे खोले हुए, वो 10 सालों से नहीं, उस टाइम पे मंत्री जी मलैया जी थे, तो पट्टे नहीं मिले उनको, पट्टे उनको नहीं, पानी की जगह कहाँ से पट्टे मिल जाते हैं, नियम कायदा होते हैं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जहाँ पानी की जगह वहाँ पट्टे नहीं मिलेंगे। और कमलनाथ जी ने जो प्रमाण पत्र दिया तो फिर वो भी फर्जी है? नहीं, बिल्कुल बोल फर्जी बिल्कुल नहीं है, वो कुटीर देंगे, हम उनको कुटीर देंगे, कुटीर वहाँ मिलेगी जिसके व्यक्तिगत जमीन है। लेकिन और यदि शासन, एक मिनट, जिनको प्रमाण पत्र मिले हाँ। वो भी तो 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं। नहीं, हमारी सरकार चली गई, हमारी सरकार कितने समय रही? हाँ, हाँ। हमारी सरकार 15 महीने रही, 14 महीने, 14 महीने में आप बताओ, ये मान के चले कि सरकार चली गई तो अब इनको योजना का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कैसे बिल्कुल मिलेगा? आप ही तो कह रहे कि सरकार चली गई। नहीं नहीं, हमारी सरकार चली गई, लेकिन सरकार जो हम लड़के काम करा रहे हैं, हमारे पास 90% धर्मपुरा में कुटीरें बन चुकी है, 10% बे लोग रह गए हैं जिसकी कुछ ही खाना पूर्ति कम है, किसी के पास कागज नहीं, जिनके पास प्रमाण पत्र है अभी तक उनको प्रमाण पत्र दिया गया, वो प्रोसीडिंग में है, 5वीं DPR में फिटिंग है, जैसे पैसा 5वीं DPR का आएगा। हम, मेरा मकसद है, चाहे कोई भी गरीब हो, मेरे बाढ़ में कोई आदमी दुखी नहीं रहेगा, दीन नहीं रहेगा, गरीबी मेरा एक मकसद था। जब ये टपरियों में लोग आते थे तो सिरों में लकड़ियां लगती नहीं, बेचारे गरीब लोग रहते थे यहाँ, लेकिन आज पार्षद जी अभी भी ऐसे ही हाल है, और उनका ये भी कहना है कि आपने उनको आश्वासन दे रखा है। हाँ बिल्कुल, समय देखो, 5वीं DPR की फिटिंग है। हाँ। क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फॉर्मेलिटियों में, सरकार बीच में चुनाव आ गए,
जो दमोह में चुनाव, उसके बाद में कोरोना महामारी। भाई हमें जान बचाने के पहले नंबर आपको लाभ देना, हम पहले तुम्हें खावे के लिए दें कि हम तुम्हें आर्थिक लाभ दें। दूसरी बात, मैं चिश्ती जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे बाट के लोग सुखी रहें, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं सारे तरफ से लाभ लेना चाहते हैं, शासन की गाइडलाइन के हिसाब से ही लाभ मिलेगा। आप चाहो मैं उनको पट्टे इशू कर दूं, मेरे बस की बात नहीं है। शासन इशू, मैंने पट्टे के लिए भी आवेदन किए हैं, सारे लोगों के पट्टे के लिए आवेदन किए हैं, लेकिन लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। सुना आपने, पार्षद जी का साफ कहना है कि लोगों को सब्र करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, आएगी। पार्षद जी पिछले कई वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि जिन लोगों को प्रमाण पत्र मिले हैं आज नहीं तो कल उनको कुटीर का लाभ मिलेगा। लेकिन वहीं बाढ़ के लोगों का ये कहना है कि हम तो सालों से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन उनको सालों से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं हासिल हो रहा है। फिर भी बाढ़ पार्षद लगे हुए हैं और उनका साफ कहना है कि सब्र करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि आखिर ये सब्र कब तक करना पड़ेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का असल हकदार को हक कब तक मिल पाता है, ये देखना अभी बाकी है। इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।